ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डे का आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले करीन मुलाकात। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के बेरा मा 1 नवंबर के राज्य के सबो शासकीय कार्यालय और संस्था मन पर स्थानीय अवकाश घोषित करे गये है और मां शक्ति के आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र आज ले शुरू हो गये है। आज लेके 9 दिन तक सबो देवी मंदिर मन मां शक्ति के विशेष पूजा पाठ करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डे का आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले मुलाकात करीन। एबेरा में श्री डे कहा केंद्रीय मंत्री ले आने आने क्षेत्र मन में निवेश के जरिया ले छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ला बढ़ावा दे के संबंध में चर्चा करीन। एकर अलावा राज्यपाल हा छत्तीसगढ़ ला एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाए के दृष्टिकोण के संग छत्तीसगढ़ निवेशक सम्मेलन के आयोजन के प्रस्ताव राखीन। उमन कहीन कि ऐसने निवेश ले छत्तीसगढ़ के युवा मन पर रोजगार के अवसर पैदा होही। श्री डेकाहा श्रीमती निर्मला सीतारमणला बतायेन कि छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक खनिज और वन संपदा है जेकर कारण छत्तीसगढ़ में विकास के अपार संभावना है। उमनहा वित्त मंत्री ले छत्तीसगढ़ के विकास ला लेके कतकोन मुद्दा में चर्चा करीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा काली झारखंड के हजारीबाग ले जसपुर जिला के सुखरापारा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के वर्चुअली लोकार्पण करीन। एकरे संग ओमनहा गांव ढूंढरूडांड और फरसा बाहर मा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के आधारशिला घलो रखीन। ए मौका मा सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पत्थल गांव विधायक गोमती साय हा सुखरापारा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रतीकात्मक लोकार्पण करीन। एबेरा मा उमनहा विद्यालय परिसर मा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम के पौधा लगाई। जानवा के मुताबिक सुखरापारा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 35.5 करोड़ रूपया के राशि स्वीकृत करे गये है। पहली चरण मा 19.40 करोड़ रूपया के लागत ले पूरा हो चुके है। वर्तमान मा 10वीं तक के पढ़ाई विद्यालय मा संचालित करे जाही। उहे दूसर चरण मा निर्माण काम होए के बाद 12वीं तक पढ़ाई शुरू होही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 बछर पूरा हो गये है। बछर 2014 मा आज के दिन श्री मोदी हा आकाशवाणी मा एक कार्यक्रम के जरिया ले देशवासी मन संग अपन विचार साझा करना शुरू करे रहीन। कार्यक्रम के 10 बछर के यात्रा मा प्रधानमंत्री हा जरूरी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसन विषय मा अपन विचार रखीन। पाछू महीना मन की बात मा श्री मोदी हा कहे रहीन कि कार्यक्रम के 10 बछर के लंबा यात्रा हा एक माला के रूप ले ले है जेखर हर कड़ी मा नवा अनुभव नवा कहानी नवा शख्सियत जुड़ते चले गये है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली बलरामपुर रामानुजगंज जिला के राजपुर में होवैया धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ के बेरा मा 192.60 करोड़ रूपया के लागत ले होवैया 108 विकास काम के भूमि पूजन शिलान्यास और लोकार्पण करीन। ओमनहा कुसमी सामरी रद्दाला बनाए बर नवापारा और वाड्रफ नगर मा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नवीन भवन के निर्माण बांकी नदी वै पवर्तन योजना के तहत करोड़ों के काम पीएम जनमन योजना के तहत नौबसाहट मा बहुउद्देशी केंद्र भवन और बलरामपुर जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक केयर यूनिट और हवाई पट्टीला बनाए बर भूमि पूजन और शिलान्यास करीन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा काली बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी के फेज 2 मा स्मार्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी और कैंटीन सुविधा के लोकार्पण करीन। डिजिटल लाइब्रेरी मा पाठक मनला पुस्तकालय मा राखे सबो किताब के डिजिटल संस्करण मिलही। संगे संग पोर्टल के जरिया ले किताब जारी करे और वापस करे के घलो सुविधा मिलही। डिजिटल लाइब्रेरी वे पोर्टल पुस्तकालय में राखे सबो भौतिक पुस्तक के विवरण है। ए पोर्टल ले छात्र पुस्तक जारी करे और वापसी के प्रक्रिया खुदे कर सकत है। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिया ले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र छात्रा मनला ऑनलाइन शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराए जा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय।
हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा उपक्षेत्र डहर ले 5 और 6 अक्टूबर के रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशस्त्र बल आउटरीच कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम में राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक भाग लिही। उन्हें मध्य कमान और मध्य भारत क्षेत्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी घलो मौजूद रही। भारतीय सेना के ताकत और कौशल के प्रदर्शन करे बर आने आने इकाई और संरचना ले 300 ले ज्यादा भारतीय सेना के जवान ए कार्यक्रम में भाग लिही। इही बीच भारतीय सेना के भीष्म T-90 टैंक और आने आल्टरी के आज रायपुर पहुंचे मां जोरद्वार स्वागत करेगी। एकर बाद ए रैली के रूप में टैंक और सैन्य उपकरण तेली बांधा मरीन ड्राइव कलेक्टोरेट जयस्तंभ चौक और आश्रम चौक होवर साइंस कॉलेज मैदान पहुंचीस। ए रैली ला लेके शहर के नागरिक मन में कतकोन उछा देखेगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के बेरा में 1 नवंबर के राज्य के सबो शासकीय कार्यालय और संस्था मन पर स्थानीय अवकाश घोषित करे गये है। ये अवकाश बैंक कोषालय और उपकोषालय और आने वित्तीय संस्थान पर लागू नहीं होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग डहले आदेश जारी कर दे गये है। प्रदेश में 17 सितंबर ले आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के काली समापन हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव काली बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुई। ए बेरा में श्री साव हा स्वच्छता दीदी मन के पांव पखार के उखर सम्मान करीन। उमरहा प्रदेश भर के नगरी निकाय के स्वच्छताग्राही स्वच्छता दीदी स्वच्छता कमांडोज और स्वच्छता पखवाड़ा में अच्छा काम करैया आने आने संगठन मल्ला घलो सम्मानित करीन। ए बेरा में श्री साव हा स्वच्छता पेट्रोलिंग गाड़ी ला हरा झंडी दिखा के रवाना करीन। उमनहा कार्यक्रम में मौजूद लोगन मनला प्रदेश ला स्वच्छ और सुंदर राखे के आह्वान कर स्वच्छता के शपथ दिलाई। कार्यक्रम में श्री साव हा बिलासपुर जिला में करीब 65 करोड़ रूपया के आने आने विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। मां शक्ति के आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र आज ले शुरू हो गये है। आज ले लेके 9 दिन तक सबो शक्ति पीठ और देवी मंदिर मन मां मा शक्ति के आने आने रूप के विशेष पूजा पाठ करे जाही। मंदिर मां आज ले घट स्थापना के संगे संग मनोकामना ज्योति कलश जलाये गये है। उन्हें चौक चौराहा मां स्थित पंडाल मन मां घलो देवी प्रतिमा के स्थापना करे जाते। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज रायपुर स्थित अपन निवास ले डोंगरगढ़ स्थित मां बम्बलेश्वरी के दर्शन पर जावत श्रद्धालु मन के बसला हरी झंडी दिखा के रवाना करीन। ए मौका मां मुख्यमंत्री हा प्रदेशवासी मनला नवरात्रि के बधाई दिन। जानबा के मुताबिक मां काली अन्नदाता भंडार समिति डहर ले श्रद्धालु मनला पाछू 9 बछर ले लगातार नवरात्रि के बेरा मां बम्बलेश्वरी धाम के निशुल्क यात्रा कराए जाते। ए बछर घलो 5 दिन तक रोज 4 बस के जरिया ले श्रद्धालु मनला मां बम्बलेश्वरी दर्शन पर भेजे जाही। आज आकाशवाणी रायपुर के 62वां स्थापना दिवस रहीस। ए बेरा मां आज आकाशवाणी रायपुर केंद्र मां आने आने कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्हें स्वच्छता पखवाड़े के तहत विशेष काम करैया 10 स्वच्छता कर्मी के सम्मान घलो करेगी। रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में संयुक्त हिंदी कार्यशाला के आयोजन करेगी। ए कार्यशाला में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजीव गांधी राष्ट्रीय जलभूमि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान नगरी विमानन और सुरक्षा ब्यूरो अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र MSTC एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र और केंद्रीय जल आयोग के 40 से ज्यादा अधिकारी मन भाग लीन। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और ओखर तीर तखान में है। उन्हें एक द्रोणिका उत्तर पूर्व बिहार ले उत्तर अंडमान सागर तक बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा होए और गरज चमक के संग छीटा पड़े की संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौ फेर।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डे का आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले करी मुलाकात। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के बेरा में 1 नवंबर के राज्य के सबो शासकीय कार्यालय और संस्था मन पर स्थानीय अवकाश घोषित करे गये है और मां शक्ति के आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र आज ले शुरू हो गये है। आज लेके 9 दिन तक सबो देवी मंदिर में मां शक्ति के विशेष पूजा पाठ करे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।